इन दिनों बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार खा रहे योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद को उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा झटका दिया। उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सोमवार को पतंजलि समूह के 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर इनमें पतंजलि आयुर्वेद फार्मेसी की मधुमेह की दवा मधु नाशिनी वटी भी शामिल है। इसके अलावा जिन दवाओं के लाइसेंस कैंसिल किए गए उनमें दिव्य फार्मेसी के श्वासरी गोल्ड, ब्रोंको ब्रोम, श्वासरी अवले, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पार, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधु नाशिनी वटी एक्स्ट्रा पार, लिवामृत एडवांस, लिवो ग्रिट और आई ग्रिट गोल्ड भी शामिल है। हर अधीक्षक जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया कि संबंधित फर्म द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा संबंधित फर्म ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कराए हैं, इसलिए कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159(1) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से सूचन पर रोक लगाई जाती है। दिव्य फार्मेसी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया है। बता दें कार्रवाई तब की गई जब योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित माफीनामे से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करने जा रहा है। दोनों को मंगलवार को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।